हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं ये न्यू डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूँ जिसमें मैंने 3 कलर का यूज़ किया है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए सीखते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, आज का तोरण मैं इस सिंपल सी तोरण पट्टी पर बनाऊँगी जिसमें मैंने 15 चैन लेकर 15 डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद ये चार चार डबल क्रोशिया बिना चैन का बनाया है। ये देखिए, एक में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया गैप करेंगे, फिर दूसरे में बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा तोरण पट्टी मैंने तैयार किया है। तो चलिए इस पे हम तोरण बनाना सीखते हैं। हाफ तोरण पट्टी को फिर से हम आधी मोड़ेंगे और यहाँ से इसका सेंटर हुआ, यहाँ से हम बुनाई चालू करेंगे। पांच चैन लेंगे, फिर 3 चैन, पलटेंगे, एक, दो, तीन, इसमें टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटल 11 डबल क्रोशिया है। फिर से 3 चैन देंगे, पलटेंगे, 2 चैन नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में अटैच करेंगे, फिर 2 चैन देंगे नेक्स्ट वाली में, 2 चैन नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में, एक भी डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें स्किप नहीं करनी है। इसे इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ऊन को यहाँ पर कट करेंगे। अब इधर से स्टार्ट हम करेंगे। हर 2 चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर, एक डबल क्रोशिया, फिर गैप वाली जगह में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे हम। तीन चैन लेंगे, पलटेंगे, एक 2 चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया देंगे, फिर से 2 चैन, एक गैप करके दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक गैप करेंगे दूसरे में डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। छह चैन लेंगे, एक छोड़ दूसरे डबल क्रोशिया में इसे अटैच करेंगे, पलटेंगे, पहले घर में हम 5 लूप लेंगे, 4 और ये 5, 5 लूप लेकर एक पफ तैयार करेंगे। इस ऊन को पीछे कर व्हाइट वाली ऊन को हम आगे लाएंगे। 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली में पफ तैयार करेंगे, 2, 5,
फिर इस उनको छोड़ के ये वाली आगे लाएंगे, तीन चैन देंगे, फिर नेक्स्ट वाली में पफ तैयार करेंगे, पांच लूप लेकर ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ वाइट, यहाँ फिर ब्लू, वाइट ब्लू करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस धागे को हम कट करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वाइट ऊन है उससे हम बुनना चालू करेंगे। तीन चैन देंगे नेक्स्ट वाली में, पलटेंगे, पांच चैन, फिर से पांच चैन, पांच चैन नेक्स्ट वाले में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह करते हुए हम पूरा इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तीन चैन नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में अटैच करेंगे, पलटेंगे। अब हम छह चैन लेंगे, चार पांच छह, फिर से छह चैन नेक्स्ट वाली में, छह चैन नेक्स्ट वाली में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह करते हुए ये पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। और एक नेक्स्ट राउंड, तीसरा राउंड हम इसी तरह छह चैन करके एक राउंड और बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये पहला लाइन हमने पांच चैन से बनाया है, दूसरा छह, तीसरा भी छह। यहाँ पर अब इस उनको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम येल्लो उन अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से एक चैन देंगे, एक दो तीन चार, फिर फंदा लेंगे सबसे किनारे वाली में, एक दो तीन तीन और ये चार, फिर नेक्स्ट वाली में एक दो तीन और ये चार। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लंबा खींचेंगे, एक मोती डालेंगे ऐसे इस होल में से डालकर, ये दो तीन चार चैन लेंगे, एक दो तीन और ये चार लूप लेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, एक चैन लेंगे, फिर लंबा खींचेंगे यहाँ डाल के, फिर से चार लूप लेंगे, एक दो तीन
चार, ये देखिए तो पकड़ेंगे फंदा देकर, फिर नेक्स्ट वाली में एक और ये चार, फिर नेक्स्ट वाली में एक और ये चार, ये देखिए इसे देखिए इसे लंबा खींचेंगे, एक मोती डालेंगे, इस बीच वाले होल में डालकर क्रूस इसे ऐसे खींच कर नीचे से निकालेंगे, चैन देंगे, चार चैन देंगे, और ये चार, ये देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ तक हमने बना दिया है। फिर ये वाली बनाएंगे, फिर इसमें इस तरह करके हम इसे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे धागे को कट करेंगे हम, ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर से इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार, चार लूप लेंगे फ्रेंड्स जैसे पहले लिए थे हमने, दो तीन ये चार, बांधेंगे इसे, फिर से पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार, ये देखिए पांच चैन लेंगे, मोती को ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम एक दो तीन चार पांच चैन लेंगे, ये देखिए ये वाली हमने यहाँ बनाई है, फिर ये बनाएंगे, एक चार, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब चार चैन लेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। धागे को यहाँ कट करेंगे, ये देखिए नेक्स्ट राउंड हम इधर से चालू करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब इस चैन में हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, एक यहाँ भी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में भी चार बनाएंगे, चार, फिर एक, फिर नेक्स्ट गैप में चार बनाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। अब हम तीन चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, पलटेंगे, दो चैन लेंगे यहाँ पर, एक गैप करेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया,
फिर दो चैन, एक गप करेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया, दो चैन, एक गैप कर, दूसरे में डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड्स हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। पलटेंगे हम, सात चैन लेंगे और एक दो डबल क्रोशिया बाद इसे अटैच करेंगे। ब्लू अटैच करेंगे यहाँ पर हम, इसमें अब हम पांच लूप लेंगे, पांच लूप लेकर एक पफ तैयार करेंगे, तीन चार और ये पांच। ये देखिए फ्रेंड्स ब्लू ऊन को छोड़कर व्हाइट ऊन से अब हम बुनेंगे, दो चैन लेंगे, पांच लूप लेकर एक पफ तैयार करेंगे, चार और ये पांच। फिर नेक्स्ट दो चैन, फिर नेक्स्ट वाली में पांच लूप लेंगे, इस तरह से फ्रेंड पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जैसे पहले हमने किया था। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। कट करेंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट राउंड हम इधर से चालू करेंगे व्हाइट ऊन के साथ। बारह डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे फ्रेंड्स धागे को खींचकर। ये हो गया बारह। एक गैप करेंगे फिर दूसरे में, बारह डबल क्रोशिया, एक गैप करेंगे दूसरे में फिर इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट राउंड भी हम यहाँ से चालू करेंगे ब्लू ऊन के साथ। एक दो तीन चौथे घर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर से डबल क्रोशिया, तीन चैन अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम तीन बनाएंगे, ये तीन कंप्लीट हो गई। चौथी चौथी में हम पांच चैन लेंगे, ये देखिए बीच वाली लंबी रहेगी, फिर पहले जैसे तीन चैन लेके हम तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तीन चैन सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी तीन चैन सिंगल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स
फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 चौथे घर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम डिजाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बीच में हम लटकन लगाएंगे। डेकोरेशन के लिए फ्लावर तैयार करेंगे फ्रेंड्स। 6 चेन लेंगे, पांच चेन, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे डबल फंदे के साथ, 5 ट्रिपल क्रोशिया टोटल बनाएंगे हम। फिर 5 चैन लेंगे सिंगल क्रोशिया, 5 चैन, फिर नेक्स्ट पंखुरी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरा 4 पंखुरी हम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ धागे को कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बीच में मैंने 3 लटकन लटकाया है, 5 लूप लेकर और 5 चैन लेकर लटकन बनाया है, जिसमें 6 पफ बीच में बनाई है, साइड साइड में मैंने 5-5 पफ बनाई है। अब जो फूल हमने बनाया था उसे यहाँ डेकोरेशन करेंगे। एक मोती लेंगे और सुई की सहायता से इसे टक कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे एक फ्लावर और यहाँ भी। इस तरह से हमारी तोरण बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।